हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। आखिरकार हमारे पूर्वज कैसे बनाते थे अपने लिए कपड़े? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला गुफाओं में छिपा जवाब। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो द्वारा। आपको भी ये जानने का दिल जरूर करता होगा कि आखिर हजारों लाखों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे कपड़े पहनते होंगे, वे इन्हें बनाते कैसे होंगे। अब ये समझे कि आपके सभी सवालों के जवाब मोरक्को की गुफा के अंदर मिल चुका है। गुफा में ऐसे कुछ औजार मिले हैं जिनसे इंसान के कपड़ों की सिलाई होती रही होंगी। माना जाता है कि होमो सेपियंस ने कपड़े पहनने की शुरुआत अब से 170,000 साल पहले कर दी थी, लेकिन मोरक्को की गुफा में मिला यह अब तक का सबसे पुराना औजार है जो हमारे पूर्वज अपने कपड़ों की सिलाई के लिए इस्तेमाल करते रहे होंगे। ये औजार कम से कम 90,000 से 120,000 साल पुराना है। जर्मनी में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर द ह्यूमन हिस्ट्री के डॉक्टर एमिली का कहना है कि गुफा से मिला औजार हड्डी से बना है और इसे कपड़े बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। आइए जानते हैं कैसा था ये उपकरण जो हड्डियों से बना हुआ था। मोरक्को की गुफा से वैज्ञानिकों को जो उपकरण हासिल हुआ है वो 90,000 से 120,000 साल पुराना माना जाता है। ऐसे में इस पर रिसर्च कर रहे लोगों का कहना है कि इस पर रिसर्च जरूर कर रहे थे, लेकिन ऐसी खोज की उम्मीद कभी नहीं की थी। जानवरों की हड्डियों की खोज करते करते उन्हें ये उपकरण मिली है। रिसर्च की टीम ने 62 हड्डियों के उपकरण मिले है। इन्हें पॉलिश करके चिकना किया गया था। इतना ही नहीं, इन पर भेड़ियों और लोमड़ियों और जंगली बिल्लियों के अवशेष भी मिले हैं। खाल और रोए से बनाते थे कपड़े। रिसर्च की टीम को करीब यहाँ बहुत से जानवरों की हड्डियाँ मिली है जिन्हें देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें खाने के बाद छोड़ा गया था। इस तरह के पैटर्न इससे पहले कभी गुफाओं में नहीं मिले। ऐसे में पुरातत्व विद्वानों का कहना है कि पहले ही इस बात की खोज हुई थी कि प्राचीन मानव ने 170,000 साल पहले कपड़े पहनना शुरू किया। हालांकि सुई और धागे की सहायता से कपड़ों का सिल जाना अब से 40,000 साल पहले आरंभ हुआ। तो इस तरह से 120,000 साल पुराने ऐसे उपकरण खोज निकाले गए हैं जिससे इंसान अपने लिए कपड़े बनाते थे। उस वक्त धागों की बुनाई नहीं होती, लेकिन चमड़े के कपड़े बनाने के लिए उपकरण इंसान ने जरूर बना लिया था। वैज्ञानिकों को मोरक्को में 120,000 साल पहले के कपड़ों और परिधानों के प्रमाण मिले हैं। मनुष्य द्वारा कपड़ों का इस्तेमाल करने का सबसे पहला प्रमाण मोरक्को की एक गुफा में मिला है, जहां वैज्ञानिकों को चमड़ी वाले जानवरों से बने औजार और हड्डियां मिली है। उनका मानना है कि हड्डी के औजारों का इस्तेमाल शायद चमड़े और फर के काम के लिए किया जाता था और अन्य गतिविधियों और फट को हटाने के लिए हड्डियों की चमड़ी की जाती थी। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा एक समुद्री स्तनपायी स्टैंड के उपयोग को रिकॉर्ड करता है और सुझाव देता है। अफ्रीका में रहने वाले शुरुआती मनुष्य से एक अभिनव दृष्टिकोण की पहचान की। यह दर्शाता है कि उनके पास अपनी अलमारी हो सकती है। टीम को 60 से अधिक जानवरों की हड्डियों से लगभग 12,000 हड्डी के टुकड़े मिले हैं, जिन्हें मनुष्य द्वारा उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए आकार दिया गया था। उन्होंने मांसाहारी हड्डियों पर कटौती के एक पैटर्न की पहचान की। यह सुझाव देते हुए कि उन्हें मांस से संसाधित करने के बजाय कॉन्ट्रेबेडियर गुफा के निवासियों ने उन्हें फर के लिए चमड़ी दी। शोधकर्ताओं ने एक व्हेल या डॉल्फिन के दांत की नोक से हड्डी के टुकड़े भी पाए, जिन पर दबाव के गुच्छे यानी पत्थर के औजारों को आकार देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने के निशान थे। कहा जाता है कि खोज की उम्र को देखते हुए यह मनुष्य द्वारा समुद्री स्तनपायी आबादी के सबसे पहले प्रलेखित उपयोग का प्रतिनिधित्व करता है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।